वंदे मातरम साथियों, आज हम एक प्रेरक जीवनी के बारे में जानेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन जीवनी। नाम जॉर्ज वाशिंगटन। जन्म 22 फरवरी 1732। पार्टी संघवादी। मृत्यु 14 दिसंबर 1799। राष्ट्रपति कार्यकाल 1789-1797। कौन थे जॉर्ज वाशिंगटन? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कॉन्टिनेंटल आर्मी की अगुवाई की और जीत भी दिलाई। आज भी अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को एक महान सेनानी के रूप में याद किया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म 22 फरवरी 1732 में अमेरिका के पॉपस क्रीक वर्जीनिया कॉलोनी में हुआ था। उस वक्त ये कॉलोनी अंग्रेजों के अधीन हुआ करती थी। वाशिंगटन के पिता ऑगस्टिन वाशिंगटन एक बगान के मालिक थे। ऐसे में जॉर्ज का भी ज्यादातर वक्त बागवानी में बीतता था। जॉर्ज ने स्कूली शिक्षा कम ही हासिल की, बल्कि उन्होंने घर में रहकर ही बुनियादी ज्ञान हासिल किया। जॉर्ज वाशिंगटन 11 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बड़े भाई ने उनकी एक पिता की तरह परवरिश की और उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया। 16 साल की उम्र में जॉर्ज को भूमापक के रूप में पहली नौकरी मिली, अमेरिकी सेना में भर्ती। भूमापक की नौकरी करने के कुछ समय बाद ही जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी सेना में भर्ती हो गए, जहां 6 नवंबर 1752 में उन्हें मेजर का पद हासिल हुआ। यहीं से उनके सैनिक जीवन में गति आई। इसके बाद 24 जुलाई 1758 में वर्जीनिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। इस दौरान जॉर्ज वाशिंगटन ने फ्रांस के विरुद्ध हुए युद्धों में भी भाग लिया। जॉर्ज 16 जून 1775 को उत्तर राज्यों की संयुक्त सेनाओं के प्रधान चुने गए। बतौर प्रधान जॉर्ज ने 9 वर्षीय युद्ध में ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने इसी दौरान ब्रिटिश सरकार संयुक्त राज्यों की आजादी के लिए बाध्य कर दिया। लगातार बुलंदियों को छूते हुए 4 जुलाई 1798 को जॉर्ज वाशिंगटन लेफ्टिनेंट जनरल और प्रधान सेनापति चुने गए। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन। 28 मई 1787 को जॉर्ज वाशिंगटन फेडरल सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद इसी साल 17 सितंबर को जॉर्ज वाशिंगटन ने संविधान प्रारूप पर हस्ताक्षर किया। जॉर्ज वाशिंगटन ने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। जॉर्ज वाशिंगटन 2 अवधियों के लिए राष्ट्रपति रहे। वे अपने राष्ट्रपति पद के 2 कार्यकाल के बाद खुद इस पद से हट गए और उन्होंने किसी भी व्यक्ति के अमेरिका का 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बनने का नियम बनाया। जॉर्ज वाशिंगटन ने राष्ट्रपति के रूप में न सिर्फ कैबिनेट की नींव रखी, बल्कि पहले राष्ट्रीय बैंक बनाने एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने जैसे कई अहम फैसले लिए। इसके अलावा उन्होंने संविधान के मुताबिक अमेरिकी सरकार के गठन करने में भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जॉर्ज वाशिंगटन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। साल 1761 में जॉर्ज वाशिंगटन ने दक्षिण राज्यों की 1887 मील लंबी यात्रा घोड़ागाड़ी से तय की थी। एक बार युद्ध के दौरान उनके घोड़े को गोली लग गई थी, तब उन्होंने वहां से भागकर अपनी बचाई। वाशिंगटन ने 1774 के ऐतिहासिक फिलाडेल्फिया सम्मेलन में वर्जीनिया का प्रतिनिधित्व किया था। जॉर्ज वाशिंगटन की मृत्यु 14 दिसंबर साल 1799 को गले के इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। जॉर्ज को राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी पार्टियों ने भी सहमति दी थी। जॉर्ज अमेरिका के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी.सी. का नाम जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही रखा गया है। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक विधवा माता डेडरिज कस्टिस से शादी की थी। शादी के बाद उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए वाशिंगटन माता के बच्चों को ही अपने बच्चे मानते थे। जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका की वर्तमान राजधानी वाशिंगटन डी.सी. का नाम रखा गया, लेकिन वे कभी राष्ट्रपति के रूप में यहाँ नहीं रह सके। दरअसल उनके समय में अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क सिटी थी। तो ये थी जॉर्ज वाशिंगटन की प्रेरणादायक जीवनी। अगले वीडियो में किसी और जीवनी के बारे में जानेंगे। तब तक
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।